हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल गोलू की सावजी रसोई। आज हम बनाने वाले हैं एक नए तरीके का ब्रेकफास्ट जो कि हेल्दी रहेगा और बहुत जल्दी बन भी जाएगा। पोहा और मेथी से ही बनाने वाले हैं आज हम नया नाश्ता, तो चलो बनाते हैं। उसके लिए मैंने यहाँ पे लिया हुआ है एक कटोरी पोहा। यहाँ पे मैंने जाड़ा पोहा यूज़ किया हुआ है, आप पतला पोहा भी यूज़ कर सकते हो। अब हम इस पोहे को अच्छे से धो लेंगे। इसको अच्छे से धोने के बाद इसमें से पूरा पानी निकाल लेना, उसमें पानी कुछ भी नहीं होना चाहिए, और उसको वैसे ही 5 मिनट तक के रख देना। एक मिक्सर के पॉट में मैं ले रही हूँ 5 हरी मिर्च, 3 अदरक के टुकड़े, 8-10 लहसुन की कलियाँ। इसको हम मिक्सर में थोड़ा बारीक कर लेंगे, एकदम बारीक नहीं करना है, ऐसे ही इसको पीसना है। ये पोहा भी हमारा भीग चुका है। अब ये पोहे को हमें आटे के जैसे गूंथना है। ये देखो, इसको ऐसे ही गूंथना है। अब हम इसमें मिलाएंगे मेथी। मैंने यहाँ पे एक कटोरी मेथी ली हुई है जो धो के बारीक कर ली थी, और इसमें अब हम डालेंगे बारीक कटा हुआ धनिया। इससे इसकी टेस्ट बहुत अच्छी आती है। और एक प्याज जो मैंने बड़ा बड़ा काटा हुआ है, एकदम बारीक नहीं काटा है, लंबा काटा हुआ है, इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। पूरे मिक्सर को एक साथ मिक्स होने के बाद इसमें हम डाल देंगे 1 चम्मच तिल, 1 चम्मच अजवाइन, 1 जो हमने पेस्ट बना के रखी थी हरी मिर्च अदरक और लहसुन की, वो भी इसमें डाल देंगे। इसके साथ डालेंगे 1/2 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर, 1/4 स्वादानुसार नमक, और 1/2 चम्मच धनिया पाउडर, आधा चम्मच जीरा, 1 चम्मच चाट पाउडर। इससे इसकी टेस्ट बहुत ही अच्छी आती है। और 1 चम्मच शक्कर। ये सारे इंग्रेडिएंट को अब हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मेथी जो मैंने धो ली थी उसको मैंने कपड़े से पोंछ लिया था ताकि उसमें ज़्यादा पानी न रहे। अगर उसमें पानी ज़्यादा रहेगा तो ये मिश्रण पतला हो जाएगा, इसलिए इसको मेथी और धनिया दोनों को धो के अच्छे से पोंछ लेना है, तभी इसका मिश्रण परफेक्ट बनता है। ये देखो, ये ऐसे ही इसको मिक्स कर लेना है। अब हम इसमें मिलाएंगे 1/2 कटोरी बेसन। बेसन इसमें करेगा बॉन्डिंग का काम और इसमें टेस्ट भी अच्छी आएगी। मैंने यहाँ पे 1/2 कटोरी बेसन लिया हुआ है। अगर वो मेथी और धनिये का हम पानी नहीं निकालेंगे तो बेसन ज़्यादा डालना पड़ेगा और उसमें सिर्फ बेसन की ही टेस्ट आएगी, इसीलिए मैंने मेथी और धनिये को अच्छे से पोंछ लिया था। अब अगर आपको लगता है कि इसमें बेसन कम हुआ है, मतलब ज़्यादा पतला हो गया है, तो आप ऊपर से थोड़ा सा बेसन और ऐड कर सकते हो, लेकिन ये परफेक्ट हो गया है।
अब इसमें बेसन ऊपर से डालने की ज़रूरत नहीं है, ऐसे ही इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये देखो ये ऐसे एक डो तैयार हो चुका है हमारा, पूरा ऐसे परफेक्ट ऐसे डो तैयार हो चुका है। अब हम हाथ को लगाएंगे थोड़ा सा तेल और एक पेड़े के आकार का मिश्रण लेके उसको अच्छे से प्रेस करके हाथ में उसको वड़े का आकार देंगे और ऐसे ही वड़े बनाकर हम साइड में तैयार करके रख देंगे। बहुत ही टेस्टी लगते हैं और बहुत जल्दी भी बन जाते हैं। ऐसे ही वड़े तैयार करके रख देंगे। ये देखो ये हमारे वड़े तैयार हो गए हैं। अब हमें इसे तलना है। मैंने कढ़ाई में तेल रख दिया है। तेल गर्म होने के बाद ये वड़े तेल में डाल देंगे और एकदम धीमी आंच पे इसको ऐसे ही धीरे धीरे पकाएंगे। इसको उलट पलट करते हुए धीमी आंच पे पकाना है ताकि वो अंदर से भी अच्छे से पक जाए। हमने इसमें जो मेथी यूज़ की हुई है उससे इसकी टेस्ट बहुत अच्छी आती है। से ही इसको धीरे धीरे पकाते रहेंगे, दोनों तरफ से अच्छे से लाल होने तक के इसको पकाना है। ये देखो ये ब्राउनिश हो रहे हैं। इसमें जो हमने प्याज बड़ा बड़ा काट के डाला था उससे इसकी टेस्ट बहुत अच्छी आती है, उसका टेक्सचर भी बहुत ही अच्छा दिखता है। आप बारीक काट करके भी डाल सकते हो। ये देखो ये बन गए हमारे पकोड़े, अच्छे से पक चुके हैं दोनों तरफ से। अब हम इनको निकाल लेंगे प्लेट में। गर्मा गर्म खाने में बहुत ही टेस्टी लगते हैं ये, और बनाने में ज़्यादा समय भी नहीं लगता। ये देखो ये बन गए हमारे वड़े और कितने मस्त दिख रहे हैं, अंदर से बाहर से अच्छे से पक चुके हैं। ये देखो बहुत ही मस्त लगते हैं। और इसको अब हम खाएंगे टोमेटो सॉस के साथ, ये बहुत ही टेस्टी लगते हैं। तो आप भी इनको बना के ज़रूर देखना।